MIUI TR रोम फाइनली आ चुका है और इस वीडियो में हम इसके पूरे सेटिंग्स, फीचर्स, कस्टमाइजेशन के ऊपर है जो बात करने वाले हैं कि क्या कुछ हमें नया देखने को मिलता है और क्या कुछ यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल जाता है बाकी अदर पोर्ट रोम के हिसाब से। तो ये फर्स्ट टाइम है जो बिल्ड आया है हमारे रेडमी के नोट 4 डिवाइस के लिए, तो हर एक चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चेक करते हैं इसकी परफॉर्मेंस, कस्टमाइजेशन और स्टेबिलिटी। मैंने एंड्रॉयड 11 का इंस्टॉलेशन मेथड बताया है रेडमी के नोट 4 डिवाइस के लिए और उसके पहले मैंने 5 प्रो को बताया था। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को आप वॉच कर लेना, जस्ट अभी पब्लिश की गई है और आप इसे यूज भी कर पाओगे। अब इन फ्यूचर जितने भी जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा ना, सबके स्टोरी में मैं आपको इन्फो दे दूंगा कि कौन सी वीडियो आपको जो कब देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप मेरे टेक ऑफिस के चैनल के स्टोरी को फॉलो करोगे तो आपको अपकमिंग वीडियो की डिटेल है जो मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिवाइस का मॉडल नेम है नोट 4X। यहाँ पे जो पोर्ट अकीप के थ्रू किया गया है एंड्रॉयड 9.0 देखने को मिलता है 2019.12.1 का, काफी पुराना यहाँ पे सिक्योरिटी पैच लेवल है बट हम फीचर्स पर फोकस करते हैं। अब फर्स्ट टाइम अपडेट आया है तो नेक्स्ट टाइम भी हमें अपडेट देखने को मिलेगा है जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी के साथ होगा। 4G वाला मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कर्नेल को चेंज किया है जो कि इथेरियल है क्योंकि इसका जो डिफॉल्ट कर्नेल है वो बाकी अदर की तरह नॉर्मल सा परफॉर्मेंस है जो प्रोवाइड कर रहा था। MIUI TR लगा हुआ है और बिल्ड नंबर आपको देखने को मिलता है 20.2.20। ओके, बैक की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन स्क्रीन देखने को मिलता है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे आपको नए वाले फीचर्स देखने को मिल जाते हैं ऑलवेज ऑन स्क्रीन पे। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी दिया था कि कैसे इनेबल करना है विदाउट रूट वगैरह के, तो आपने शायद वॉच किया होगा। यहाँ पे इस टाइप के आपको क्लॉक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो कि अच्छे तरीके से काम करता है और यहाँ पे AOD में कोई भी आपको बग या कमी देखने को नहीं मिलता है, अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, यानी आपका जो ब्लिंकिंग जरा से भी देखने को नहीं मिलती है। तो ये मुझे काफी ज्यादा है जो सही लगा। फिंगरप्रिंट भी काफी अच्छा है, कुछ चाइना वाले वर्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो जो भी आप वर्ड्स यहाँ पे सेट करना चाहते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो लगा सकते हो। आप मैनुअली कंट्रोल भी कर सकते हो प्लस के आइकन पे आके। यहाँ पे 100 एनिमेशन मिलता है, यहाँ पे आपको शेड्यूल देखने को मिलता है जहाँ पे 10 सेकेंड शेड्यूल और ऑलवेज साथ साथ बैटरी सेवर में ऑफ होना चाहिए या नहीं, कलर नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए या फिर नहीं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो आपके काम करती है। अगर आप इसे इनेबल कर लेते हो तो आप देखोगे यहाँ कलर नोटिफिकेशन है, अगर मैं यहाँ पे इसे लॉक कर देता हूँ तो आप देखोगे AOD यहाँ पे फिलहाल शो कर रहा है। उसके बाद मैं अगर इस फोन के ऊपर कोई भी मैसेज सेंड करूंगा तो आपको जो ऑन स्क्रीन AOD के साथ कलर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक, काफी अच्छा सा इंप्रूव है जो किया गया है। आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आ गया, एज लाइट भी देखने को मिल रहा है और मैसेज बॉक्स का आइकन भी यहाँ पे जो शो होने लग गया है। तो काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है क्योंकि अब तक जितने भी पोर्ट रोम आए सब में हमें कलर नोटिफिकेशन का बग तो देखने को मिला ही था बट यहाँ पे ये फुल्ली वर्केबल है, तो ये काफी अच्छा चेंज है जो देखने को मिलता है। बाकी आगे की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और नया चीज दिखाई देता है, वो है वेब चार्जिंग। यहाँ पे चार्जिंग का एनिमेशन आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसे लॉक पे डालता हूँ, ये रहा मेरा चार्जिंग, और मैं इस तरह से अगर इन करूंगा तो आप देखोगे चार्जिंग का एनिमेशन कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। चार्जर काफी ज्यादा दूर है, केवल दूर है, इसलिए मैं आपको कुछ इस तरीके से शो कर रहा हूँ। तो इस वेब को आप डिफॉल्ट पे सेट कर सकते हो जो कि हमें MIUI 11 पे दिखाता था, या फिर आप वेब भी रख सकते हो। बाकी आपको इसे इनेबल रखना है या फिर डिसेबल रखना है वो भी आप कंट्रोल कर पाओगे। एक छोटी सी चीज मुझे यहाँ पे नोटिस लगी जो इम्प्रूव होनी चाहिए, वो है इसके कस्टमाइजेशन को ऑन ऑफ करना। जैसे कि आप देख सकते हो इस पर टैप हो गया, तो जब भी आप इन ऑप्शन को टैप करके ऑन करोगे या फिर ऑफ करोगे तो आपका स्क्रीन एक बार लॉक हो जाता है, ये बहुत जगह देखने को मिला है। तो ये कुछ इसी तरह का बिहेवियर है इस रोम का जो इन फ्यूचर का फिक्स हो जाए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ये सारे ऑप्शन मैंने आपको पहले भी बताए थे नोटिफिकेशन के फोल्डर के अंदर देखने को मिलते थे, तो ये सारे हैं जो यहाँ पे ऑलवेज ऑन के ऑप्शन ही देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन व्यू, अनरीड रिप्लाई और यहाँ पे पावर मेनू वगैरह वगैरह। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहीं पे दिखाई देते हैं। आगे की बात करें डिस्प्ले की ओर, तो रीडिंग मोड आपका जो फुल्ली वर्क्ड है, तो रीडिंग मोड में आपको कोई दिक्कत नहीं मिलती है, डार्क मोड में आपको फुल्ली वर्केबल मिल जाता है। बाकी यहाँ पे लिस्ट एनिमेशन दिया गया है जैसा कि हमें MIUI प्रो में देखने को मिलता है, तो आप इसे जो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेटस बार में इनके लेआउट जो कि सेंटर, मिक्स्ड और AOSIP देखने को मिलते हैं, सॉरी AOSP, तो ये भी मैंने आपको पहले ही बताया है। ओरिजेंटल और बाकी अदर ऑप्शन मिलते हैं, रो एंड कॉल्यूम मेंटेन करने का ऑप्शन मिलता है, कलर नोटिफिकेशन वगैरह इनेबल करने का और बाकी अदर बैटरी परसेंटेज का, टेक्स्ट और बाकी चीजें हाइड एंड शो करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि MIUI प्रो में हमें अक्सर देखने को मिलता है। साउंड के प्रोफाइल में एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है, वो है हमारे इनकमिंग कॉल के टाइम वीडियो को सेट करना। जी हाँ, यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है क्योंकि जितने भी पोर्ट रूम वगैरह आते हैं सब में जो वॉलपेपर होते हैं लाइव वो हम सिर्फ और सिर्फ सेट कर पाते हैं होम स्क्रीन पे या लॉक स्क्रीन पे, बट इस रोम के अंदर आप इनकमिंग कॉल पे जो अपना प्रोफाइल सेट कर सकते हो, छोटा सा क्लिप वगैरह जो कि चाइना का फीचर है, ये भी मुझे काफी ज्यादा सही लगा। नोटिफिकेशन के अंदर आपको नॉर्मल सी चीजें देखने को मिलती है क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो हमें
ऑलवेज ऑन के अंदर दिखाई देता है। होम स्क्रीन पे आते हैं तो आप गूगल असिस्टेंट वगैरह सेट कर सकते हो, बाकी स्वाइप अप बॉटम सर्च बार आप इनेबल कर सकते हो यहाँ से। जैसे कि बहुत सारे यूजर्स कहते हैं कि भाई बॉटम में सर्च बार आपने कहाँ से डाला, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इनेबल कर सकते हो। बाकी लॉक कर सकते हो डबल टैप पे फेल इंपर्टी सेल, एनिमेशन को आप हाइड कर सकते हो। बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जैसे कि लॉक करना, ब्लर करना, कस्टमाइजेशन करना, रिफिल वगैरह के आइकन शो एंड हाइड करना। थीम भी आपको जो फुली वर्क मिलता है तो बाय डिफॉल्ट एक नया सा थीम दिखने को मिलता है, लेकिन इसके जो आइकन है ना ये कलर मुझे बहुत ज्यादा ऑड देखने को लगे हैं। तो मे भी बहुत सारे यूजर्स को ये काफी अच्छे लग सकते हैं, बट मुझे रियली में उतना खास पसंद नहीं आया। तो आप तो चेंज कर सकते हो थीम, जो चाहिए वो आप डाउनलोड करो और यूज करो। यहाँ पे आपको अनलॉक फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलता है, यानी रीस्टार्ट करने के टाइम आपको जो अनलॉक हो जाएगा विदाउट डिस्प्ले पासवर्ड इन किए हुए, फिंगरप्रिंट और आपका फेस अनलॉकिंग ये अच्छे तरीके से जो काम करता है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है। अभी आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं रीड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, रिप्लाई भी दे सकता हूँ। ये जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था ऑलवेज ऑन के ऑप्शन पे, वो इस तरीके से काम करता है। टेक अ स्क्रीनशॉट एनीवेयर, ये एक आपको नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बैक की ओर चलते हैं तो बैटरी के अंदर आपको जो कुछ और नई चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि अडेप्टेड बैटरी और साथ साथ एक्सट्रीम सेवर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अगर बैक की ओर आते हैं तो यहाँ पे सेंस का ऑप्शन मिलता है और AI प्री लोडिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि काफी टाइम पहले ऐड किया गया था फिर से रिमूव कर दिया गया है। ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा जब आप कोई भी एप्लीकेशन बार बार यूज करते हो, रोज एवरीडे बहुत टाइम ओपन करते हो, कि उसे खुद से डिटेक्ट करके उसके लिए परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंक्रीज रखेगा बाकी रोम के मुकाबले। तो वो रोम हमेशा आपको जो मेमोरी में मिलेगी और आपको जो इजिली ओपन करते हुए दिखाई देगी। यहाँ पे आपको अल्ट्रा बैटरी सेविंग और बैटरी सेवर भी मिलता है, तो तीन टाइप के आपको बैटरी सेवर मिलते हैं, एक्सट्रीम बैटरी सेवर, अल्ट्रा बैटरी सेवर और नॉर्मल बैटरी सेवर। तो काफी अच्छा आपको बैटरी के मामले में कस्टमाइजेशन मिलता है। एप्स लॉक आपको बिल्कुल ही लेटेस्ट वाला मिल जाता है। बाकी अगर हम यहाँ पे मैनेज पे आते हैं तो ऐप बिहेवियर में एक छोटा सा नया आइकन देखने को मिलता है, जहाँ पे भी कोई भी रिजल्ट है जो शो नहीं कर रहा है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम दिखाई देता है। एडिशनल के अंदर टाइम एंड डेट वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पे रीजन में आप देखें तो बहुत सारे रीजन यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपके ऑन स्क्रीन पे है, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रूसिया को रखा गया है। तो मैं अगर यहाँ पे जो इंडिया पे सेट करता हूँ तो ये सेट नहीं होता है, डायरेक्ट रीस्टार्ट फोन हो जाता है। तो एक छोटी सी कमी है, बट बहुत टाइम पहले मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर किया था कि किस तरीके से आप रीजन को चेंज कर सकते हो, या फिर मैंने वीडियो भी दिया था, उसे आप फॉलो करके रीजन को चेंज कर पाओगे। बाकी वही सारी चीजें देखने को मिलती है, बट आइकन पैक बिल्कुल ही कलरफुल और नए UI में नजर आते हैं। स्क्रीन टाइम आपको सेम टू सेम मिलता है, असल में भी आइकन बिल्कुल ही चेंज कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको इंटरनली भी हल्की फुल्की चेंज देखने को मिल जाता है, बाकी सब कुछ आपको सेम मिलता है। अगर हम आते हैं होम स्क्रीन के सिक्योरिटी ऐप के ऊपर, ये भी सेम टू सेम देखने को मिलता है, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। हमारा नेट सेफ्टी बिल्कुल ही पास है, तो आप नेट सेफ्टी वगैरह जो यूज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी नेट सेफ्टी से रिगार्डिंग। बाय डिफॉल्ट कैमरे में आपको जो पोर्ट्रेट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट्रेट रूम आते हैं उनमें पोर्ट्रेट हमें बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, तो हमें थर्ड पार्टी ऐप यानी जीकेएम का यूज करना पड़ता है। तो आप जीकेएम यहाँ पे यूज कर पाओगे, कोई भी इशूज आपको जीकेएम से रिगार्डिंग देखने को नहीं मिलेगी, तो काफी अच्छी आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। रही बात अनटूटू के स्कोर की, तो बाय डिफॉल्ट हमें 79 का स्कोर मिला था, बट जब मैंने सीरियल को फ्लैश किया तो 1.8328 का स्कोर देखने को मिला है, जो कि आपको गेमिंग में काफी ज्यादा है, जो हेल्प करेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे मैंने 7.2.2 का यूज किया है, अनटूटू का वर्जन, जो कि बिल्कुल ही स्टेबल और परफेक्ट स्कोर बताता है। गेम टर्बो तो आपके लिए है ही, जो आप काफी अच्छी डिटेल्स वगैरह जो प्रोवाइड करेगा, जिनमें कोई भी इश्यूज नहीं आएगी। रही बात मैप यानी GPS की, हमारा GPS वर्केबल है या नहीं, तो GPS आपका फुल्ली वर्केबल है, कोई भी टाइम ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, या आपका जो एक्यूरेट लोकेशन दिखाया देता है, फिर भी अगर आपके एरिया में या आपका GPS सही से लोकेट नहीं कर रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, आपको जो एक्यूरेट लोकेशन जो देखने को मिल जाएगी, तो बस थोड़ा सा टाइम देना है और आपका GPS जो फुल्ली फिक्स्ड हो जाएगा। रही बात हार्डवेयर लाइटिंग, तो ये भी आपको फिक्स मिलता है, तो हार्डवेयर लाइट में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन एक छोटी सी कमी है, वो है इसके वीडियो कॉल को लेकर। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स में आते हैं, तो आप देख सकते हो कि एडवांस के सेटिंग्स में कई सारे ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि आप है जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट वगैरह को हाइड कर सकते हो, नोट्स को हाइड कर सकते हो, कॉल हॉल और यहाँ पे ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, जबकि ये पहले से ऑलरेडी हाइड रहते हैं तो आपको इनेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज कॉलिंग स्क्रीन पे सिर्फ सिर्फ नंबर्स होगा, बाकी कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है आपके कॉलिंग की सेटिंग्स पे भी। तो आई होप सो गाइस कि मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल दे दिया इस रूम के बारे में। रही बात बैटरी बैकअप, तो जितना भी मैंने यूज किया मुझे ठीक लगा है, लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं लॉन्गर यूज करता हूँ तो इसकी बैटरी डिटेल मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। रही बात फ्लैशिंग मैटर की, फ्लैश कैसे करना है, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दे दिया है बहुत टाइम पहले ही, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप फॉलो अप करके
यूज कर पाओगे। और इसका जो ब्राउजर है MI का, इसमें भी आइकन पैक्स बिल्कुल ही कलर्ड देखने को मिलते हैं, जो कि MIUI TR के थ्रू है जो प्रोवाइड किए गए हैं, यानी मॉडिफाइड किए गए हैं। और इनका खुद का वेबसाइट भी मिल जाता है, साइट जहाँ पे आप अप टू डेट रह पाओगे। तो ऑल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर डाउनलोड लिंक से कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका मिरर मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाओगे। तो मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके।